पहले एक सागर शर्मा की पोस्ट इस वक्त जी न्यूज फ्लैश कर रहा है, वो आप देखिए। संसद की सिक्योरिटी में सेंधमारी करने वाले आरोपी सागर के परिवार ने कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर घर से निकला, परिवार से बात की और किस तरीके से पूरा पोस्ट कई बातें भी उजागर कर रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पूरा पोस्ट लिखा गया है, वैसे लिखना अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है अगर उसकी पहुंच बहुत ही सीमित हो, परंतु एक प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए यह उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि भी हो सकती है। भारत एक भयावह स्थिति में है, इस तरह की बातें आप उसकी मेंटालिटी समझ सकते हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा करता रहा है सागर, और सागर शर्मा की जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें क्या कुछ बातें लिखी गई हैं वो आपके सामने है। एक ऐसे दृश्य को प्रदर्शित करती है जहां पर चौराहों पर दुष्टता और उसकी पराकाष्ठा हो रही है। और मयूर शुक्ला लखनऊ से है, सागर के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। मयूर, एक पोस्ट इस पर सवाल और बवाल का उठना लाजमी है, और इसमें ललित झा को टैग कर कई विचलित करने वाली बातों का जिक्र सागर शर्मा ने अपने पोस्ट में किया है। मयूर, बिल्कुल, देखिए सागर शर्मा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा वो नहीं है, क्लास 9 तक उसने पढ़ाई की है जैसा कि उनके मामा ने बताया, लेकिन जो उसके पोस्ट आप पढ़िए इस तरीके से लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है। और जो पोस्ट उसने लिखे हैं उसमें जो व्हाट्सएप का एक उसका स्टेटस लगा हुआ है उसमें लिखा है कि वो कुछ ऐसा कर गुजरेगा कि इतिहास रच देगा, लोग उसको याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारी की जो मानसिकता होती है वो दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि 11 तारीख को वो यहां से बता के निकला कि वो दिल्ली जा रहा है एक आंदोलन में शामिल होने, हालांकि वो 2 साल तक बैंगलोर में रहा, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता रहा, उसके बाद इसी साल रक्षाबंधन में वापस अपने घर आया और ई रिक्शा वो लगातार 3 महीने से चला रहा था, लेकिन अचानक दिल्ली जाना इस तरह की घटना को अंजाम देना स्तब्ध कर देने वाला। उसके घर के बाहर इस वक्त हम हैं और तस्वीरें आपको दिखाएं कि ये काफी गरीब परिवार से आते हैं, कारपेंटर है इनके पिताजी, और आप देख सकते हैं इनके घर के बाहर ये पर्दा पड़ा हुआ है, ये भी पूरा नहीं है, और ये छोटा सा एक यहाँ पर ताला लगा हुआ है, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं छोटा सा ताला यहाँ पर हुआ है जिसको लगा के इनके घर वाले फिलहाल यहां पर नहीं है, क्योंकि कल देर शाम से जब पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही थी रात को 11 बजे तक पूछताछ हुई, इंटेलिजेंस की टीम भी अब इसमें लगी हुई है कि सागर ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो तलाशने के प्रयास किया गया उनके मामा से बात की, पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और हर किरदार के बारे में हर इंफॉर्मेशन पुलिस की तरफ से जांची जा रही है, पड़ताल पुलिस की लगातार जारी है।